Hello dear students, this one is my third lecture on the chapter Animal Kingdom. So in this lecture I will discuss about the Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. In previous lecture we discuss about the phylum Arthropoda. Now before going to the lecture, if you like my videos, please share with your friends and hit the bell icon to get notification and then subscribe my channel. Now अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फाइलम मोलस्का. तो फाइलम मोलस्का का देखो, एज यू नो द फाइलम आर्थ्रोपोडा वाज द लार्जेस्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. आफ्टर द फाइलम आर्थ्रोपोडा द नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज द किंगडम, एनिमल किंगडम इज द फाइलम मोलस्का. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम in animal kingdom and phylum Mollusca is the second largest phylum. Now we will discuss about the characteristic features of Mollusca. So what are the characteristic feature? The first characteristic feature agar yahan pe agar dekho, maine pehle bhi tum log share kiya tha, Mollusca agar dekho, Mollusca kya hai, these are soft bodied animals. All mollusks are soft bodied animals. Inka jo body hota hai bahut soft hota hai, but their body is covered by hard shell. ठीक है, एक्सटर्नली देयर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड सेल. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, दे आर ट्राइब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड यू सिलोमेट. सिलोमेट मतलब यू सिलोमेट मीन्स दे कंटेन और देयर बॉडी कैविटी इज आल्सो नोन एज स्क्रू सिलोम और यू सिलोमेट. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, इनका जो बॉडी डिविजन जो है, बॉडी इज डिवाइजेबल इंटू थ्री पार्ट. क्या क्या है देखो, हेड, फूट एंड विसरल मास बोल सकते हैं, या फिर वी कैन से विसरल हम्प. तो बॉडी अगर यहाँ पे देखो, बॉडी इज डिवाइजेबल इनटू थ्री पार्ट्स. क्या क्या देखो, हेड, फूट एंड विसरल मास. ठीक है, या फिर विसरल मास. अब यहाँ पे अगर देखो, स्किन और विसरल मास, विसरल मास का जो स्किन होता है, स्किन और विसरल मास सीक्रेट ए ग्लैंडुलर फोल्ड. स्किन ऑफ विसरल मास सीक्रेट ए ग्लैंडुलर फोल्ड व्हिच इज कॉल्ड मेंटल और पेरियम. ठीक है, स्किन ऑफ विसरल मास सीक्रेट ए ग्लैंडुलर फोल्ड, मतलब विसरल मास का जो स्किन जो है उससे क्या सीक्रेट होता है, ग्लैंडुलर फोल्ड का फॉर्मेशन होता है व्हिच इज नोन एज मेंटल और पेरियम. नाउ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, मेंटल और पेरियम का फॉर्मेशन हो गया. नाउ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विसरल मास या फिर विसरल हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी इन व्हिच गिल्स आर प्रेजेंट. जिसके अंदर क्या होता है, गिल्स आर प्रेजेंट. तो फिर से मैं रिपीट करूंगा दिस पॉइंट, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विसरल मास एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी वेयर द गिल्स आर प्रेजेंट. अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑल फॉर्म्स of mollusk does not contain gills. Those are aquatic form. इनके केस में gills होता है. The next feature अगर देखो, mantle जो है, mantle से क्या secret होता है? Mantle secretes a calcareous shell जो outermost covering होता है. ठीक है? तो ये हो गया few characteristic feature. फिर से मैं repeat करूँगा. Mollusk है, soft bodied animal है. Second, trichoblastic तो है, bilaterally symmetrical and eusilomate मतलब two silomates present. इनका बॉडी डिवीजन अगर देखो, बॉडी इज डिवाइजेबल इनटू थ्री पार्ट. क्या क्या लिखा है देखो, हेड, फूट एंड विसरल मास. ठीक है, हेड, फूट एंड विसरल मास. अब ये जो विसरल मास या फिर विसरल हम्प है, इट सीक्रेट ए ग्लैंडुलर फोल्ड व्हिच इज कॉल्ड एज मेंटल और पेरियम. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखो, विसरल मास सीक्रेट ए ग्लैंडुलर फोल्ड कॉल्ड मेंटल और पेरियम. और ये जो मेंटल और पेरियम है एंड विसरल मास जो है, इसके बीच में गैप होता है. द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विसरल मास एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, जहां पे क्या होता है, गिल्स होता है. नेक्स्ट विचार अगर देखो, ये जो मेंटल जो फॉर्मेशन हुआ है, मेंटल से क्या फॉर्म होता है, मेंटल यूज्ड टू प्रोड्यूस द सेल व्हिच इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग. ठीक है, बट देयर बॉडी इज सॉफ्ट. तो दिस सॉफ्ट बॉडी इज एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड और कवर्ड बाय दिस हार्ड कैल्केरिया सेल. कैल्केरिया सेल मतलब इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट फीचर अगर देखो, माउथ कंटेन ए फाइल लाइक ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एज रेडुला. एंड ये जो पॉइंट जो है, दिस रेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है या फिर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. द
तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग को ये हमेशा इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। माउथ जो है, माउथ कंटेन ए फाइल लाइक स्ट्रक्चर रास्पिंग ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड रेडुला। एंड रेडुला का मेन फंक्शन अगर देखो, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल जो ऑब्टेन करता है, सॉलिड फूड जो ऑब्टेन करता है मोलस्क, विद द हेल्प ऑफ दिस रेडुला यूज टू ग्राइंड द फूड मटेरियल। एंड दिस स्ट्रक्चर और द ऑर्गन इज कॉल्ड, रास्पिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेडुला। तो ये हो गया रेडुला। देन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखो, दे शोस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखो, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, द बॉडी फ्लूइड इज नॉट ट्रेवल और सर्कुलेट इन साइड द क्लोज वेसल, they are present in their body cavity. So open circulatory system is found and in their blood ka jo color hai, the blood is blue in color. And why their blood is blue in color, due to the presence of copper containing photosynthetic pigment which is called as homocyanin. Theek hai, hemocyanin, not homocyanin, it is also actually called as hemocyanin. So their blood is blue in color. Why blue in color, due to the presence of copper containing photo respiratory pigment which is called as hemocyanin. समझ गए, तो ये हो गया इनका respiratory pigment which is called hemocyanin. And what is the substance ions present in hemocyanin, it is the copper. Then respiration in case of mollusk agar dekho, they used to respire through gills or by pulmonary sac. अभी यहाँ पे अगर देखो, गिल रेस्पिरेशन किसके केस में दिखाई देता है, गिल रेस्पिरेशन इज जनरली फाउंड इन, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी दे दिया है, इन एक्वाटिक फॉर्म्स गिल रेस्पिरेशन इज फाउंड, इन एक्वाटिक फॉर्म गिल रेस्पिरेशन इज फाउंड। एंड दूसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है देखो, पल्मोनरी सेक रेस्पिरेशन, ये किसके केस में होता है, इंटरस्टीशियल फॉर्म। तो ये दो टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मोलस्क अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। Then the next feature is excretion. अगर देखो, means how they excrete, their excretory organ is actually, या फिर excretion is carried out by one or two pairs of kidneys. ठीक है, their excretion occurs by one or two pairs of kidneys. And then what is the nature, sexual nature अगर देखो, phyla mollusca they are generally unisexual and oviparous in nature. Unisexual तो होता है means male and female individually separate, plus oviparous in nature मतलब they used to produce egg. Okay? So these are the main characteristic feature of phylum mollusca. तो इनमें से कौन कौन से character तुम लोग को अच्छे से समझना होगा, what are the different part of body, what is the file like grasping organ present in mouth which is radula, what is the photosynthetic pigment present in mollusca, and in aquatic form what is the respiratory organ, and in terrestrial form what is the respiratory organ, and then oviparous and their respiratory organ is one or two pairs of kidney. So these are the few characteristic features which are very important for phyla mollusca. Aur ek cheez fir se main repeat karunga, ye already phyla mollusca ke sath maine de diya hai, this one is very important for, it is the second largest phylum of animal kingdom. Ho gaya, to ye ho gaya hum log ka phylum mollusca. Abhi chalte hain hum log example. To example mein agar dekho, phyla which is generally known as और कॉमन नेम इज कॉल्ड एज एप्पल स्नेक, पाइला एप्पल स्नेक, ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, पिंक टडा मतलब पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर मतलब जिसके अंदर जो मुक्ता जो होता है, द पर्ल कल्चर इज कैरीड आउट इनसाइड दिस बाय यूजिंग दिस मोलस्क। ठीक है, दिस कॉल्ड एज पिंक टडा मींस पर्ल ऑयस्टर। एंड देन यूनियो, यूनियो इज द फ्रेश वाटर मुसेल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच वन इज फ्रेश वाटर मुसेल, यूनियो। सेपिया is cuttlefish, loligo is the squid, aplysia, sea hare, dentellium, tusk shell, chitoplura which is generally known as chito. So these are the few images of this example. Jaise ye jo image hai, this one is the image of pila, this one is octopus, this one is pink tata means pearl oyster, ye ho gaya unio. Unio tum log bahut logon ne dekha bhi hoga, aur dekha bhi hoga agar kisi ke ghar pond hota hai ya fir नदी के, नदी में मिल जाता है, ये ब्लैक कलर का होता है कभी कभी, या फिर इस वुडन कलर का भी हो सकता है, दिस वन इज कॉल्ड एज यूनियो और फ्रेश वाटर मोसेल। एंड देन ये जो है, दिस वन इज कॉल्ड एज कटल फिश और सेपिया, दिस वन इज लोलिगो व्हिच इज जनरली नोन एज स्क्विड,
this one is aplysia, and then this one is called as dentalium tusk cell. Okay, these are the few images along with their examples. Okay, और example के साथ इनका जो common name जो है, this one is very important. मैंने पहले भी बोल दिया है क्योंकि नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैचिंग टाइप या फिर मिसमैच टाइप एंड व्हिच कौन सा एग्जांपल कौन सा फाइलम में आता है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंट नाउअडेज. दैट इज व्हाई एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद योर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्क. अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइलम व्हिच इज कॉल्ड एज फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा अगर देखो, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइंस. ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन ट्राइकोब्लास्टिक यूजुअली मेड विद रेडियल सिमेट्री. तो ये जो रेडियल सिमेट्री जो है, रेडियल सिमेट्री जनरली फाउंड इन केस ऑफ एडल्ट फॉर्म्स, बट लार्वल फॉर्म्स शोस बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियल सिमेट्री. तो दे आर मैराइन ट्राइकोब्लास्टिक यूसुलमेट एंड रेडियली सिमेट्रिकल इन केस ऑफ एडल्ट, बट इन केस ऑफ लार्वल फॉर्म दे आर बायलैटरली सिमेट्रिक. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे हैव वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम. दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और द यूनिक कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ये अच्छे से याद रखना, जैसे पहले भी बोला था फाइलम पोरिफेरा के केस में क्या था, वाटर कैनल सिस्टम, एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा के केस में होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम. दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इन केस ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इट इज कॉल्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम. क्लियर, देन इनका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. अभी इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा अगर देखो, इनका जो माउथ जो होता है, माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रली. ठीक है, एंड जिस तरफ माउथ होता है इन केस ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दैट पर्टिकुलर बॉडी सर्फेस इज कॉल्ड एज ओरल सर्फेस. ओरल मतलब क्या है, माउथ. माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रली, मतलब बॉडी के नीचे की तरफ माउथ होता है. तो दैट पर्टिकुलर सर्फेस ऑफ बॉडी सर्फेस इज कॉल्ड एज ओरल सर्फेस, एंड द डोर्सल सर्फेस कॉन्टेन एनस व्हिच इज कॉल्ड एज एबोरल सर्फेस. एबोरल मतलब उसमें माउथ नहीं है. तो बॉडी के ऊपर की तरफ माउथ नहीं होता, माउथ इज वेंट्रली प्लेस, मतलब बॉडी के नीचे की तरफ माउथ होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इन केस ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. जिस तरफ माउथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओरल सर्फेस, एंड जिस तरफ एनस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एबोरल सर्फेस. तो ये हो गया ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट अगर फीचर अगर देखो, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम क्या है, देयर लोकोमोटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज ट्यूब फीट. द लोकोमोटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज ट्यूब फीट. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूब फीट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोडिया. क्लियर, तो देयर लोकोमोटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज ट्यूब फीट और पोडिया. नेक्स्ट फीचर अगर देखो, दे आर ट्रूली मैराइन, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन. रेस्पिरेशन अगर देखो, दे यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ डार्मेल ब्रांकी. ठीक है, दे यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ डार्मेल ब्रांकी, एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. लाइक मोलस्क, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो ओपन टाइप. व्हाट इज द नेचर ऑफ देयर एक्सक्रीशन, दे आर एक्चुअली एमोनोटेलिक. एमोनोटेलिक का मतलब क्या है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज द एमोनिया, एंड दे आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल. एंड नर्वस सिस्टम अगर देखो, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स. ठीक है, दो नर्व रिंग होते हैं अलोंग विद द रेडियल नर्व कॉर्ड्स. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. तो इनका मेन कैरेक्टर क्या है देखो, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइंस, देन वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक फीचर. देयर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है देखो, लोकोमोटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्टीव फीट और पोडिया. देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज एक्चुअली नोन एज डार्मेल ब्रांकी, एंड दीज आर और दे आर एमोनोटेलिक इन नेचर. मतलब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज एमोनिया. तो ये हो गया हम लोग का फाइलम इकाइनोडर्मेटा. अभी हम लोग चलते हैं द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. व्हाट आर द एग्जांपल्स, ऐसे अगर देखो एस्टेरियस. एस्टेरियस इज द कॉमनली नोन एज स्टार फिश. ठीक है, यहाँ पे अगर देखो डायग्राम में, मैंने यहाँ पे एबोरल दिया और यहाँ पे ओरल दिया. एबोरल मतलब डोर्सल सर्फेस, ओरल मतलब वेंट्रल सर्फेस, यहाँ पे माउथ होता है. ठीक है, एंड माउथ इज सेंट्रली प्लेस्ड. सेंटर में माउथ है, एंड बॉडी के डोर्सल सर्फेस के सेंटर में होता है एनस. ठीक है, ये हुआ इकाइनस, व्हिच इज जनरली नोन एज सी अर्चिन. ठीक है, ये कॉमन नेम प्लस जनरली नेम याद रखना होगा. कुकुमेरिया, व्हिच इज जनरली नोन एज सी कुकुम्बर. एंटीडोन नोन एज फीदर स्टार.
and Ophiura means brittle stuff. So these are the few examples of phylum Echinodonta along with their images. This one is the image of starfish, then sea urchin, cucumeria, brittle star, feather star, and then brittle star. So these are the few examples along with their common names. Okay? And the last phylum of non-chordate agar dekho, where phylum Hemichordata. Initially, ये जो phylum Hemichordata जो है, initially phylum Hemichordata was belong under the phylum Chordata as a subphylum. But later on or recently, Hemichordata is included under non-chordate. तो phylum Hemichordata अगर देखो, इनका होता था characteristic feature of phylum Hemichordata, body is worm-like. तो यहाँ पे first feature अगर देखो, worm-like body is divisible into three part. क्या-क्या part अगर देखो? Proboscis, collar and trunk. तो ये जो diagram में भी है, image में भी अगर देखो, this one is the proboscis, this one is collar, and this whole part is called as trunk. तो body is divisible into three part, proboscis, collar and trunk. Second characteristic feature अगर देखो, they are trichoblastic, bilaterally symmetrical and U-cellulite. ठीक है? ये तो common ही है. Then the third feature is their rudimentary structure in collar region is called as stomopod. ठीक है? Rudimentary मतलब reduced structure. ये structure similar to notochord. इनका जो collar जो है, collar में एक rudimentary और reduced structure होता है, which is generally known as stomopod. And this stomopod is actually a structure which is similar to notochord. Then next feature अगर देखो, they have numerous gills for their respiration because they are aquatic. इनका tail action होता है. Sexes are separate, means they are also unisexual. Male and female individually separate, and their mode of fertilization is external fertilization. मतलब fertilization जो होता है, fusion of male gamete and female gamete जो है, body के अंदर नहीं होता. Fusion of gametes actually occurs in water bodies, मतलब body के बाहर. इनका development is called indirect. Now यहाँ पे अगर मैं बहुत बार बोला भी है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो यहाँ पे मीनिंग क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फिर से मैं रिपीट करूंगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट जो है इसमें बीच में लार्वल स्टेजेस हो सकता है लार्वल स्टेजेस होने से इसको इनडायरेक्ट हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्लियर तो देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस Proboscis is the organ of their excretion. So these are the few characteristic features of phylum Hemichordata. So क्या क्या है? इनका body division अगर देखो body division into how many parts? Three part. क्या क्या? Proboscis, collar and trunk. ठीक है? Then इनका rudimentary structure कहाँ पे होता है? Collar पे होता है. Which is generally known as stomopod. ये जो stomopod है, stomopod is similar to notochord. इनका बहुत सारे gills होता है for their respiration. They are unisexual. Fertilization is external and the excretory organ is called as proboscis. Okay? So these are the characteristic features of phylum Hemichordata. The example of phylum Hemichordata agar dekho, example is Balanoglossus and Sacoglossus. Ye jo image jo hai, this image is actually the image of Balanoglossus. Okay? So ye ho gaya hum logo ka characteristic feature of phylum Hemichordata. Clear? So hum logo up to the phylum Hemichordata, hum logo ne kaun sa part complete kar liya? We just completed the part which is called non-chordate. तो non-chordate में कितना phylum था? There are 10 phylum. जैसे अगर मैं फिर से start करूँ, phylum Polyphera, Cylindrata, Ctenophora, then Platyhelminthes, Eschalminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and then Hemichordata. तो these are the 10 phylum belongs to non-chordates. Non-chordate मतलब जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड इज नॉट फुल्ली डेवलप और वेल एस्टेब्लिश्ड ठीक है तो ये हो गया हम लोग का 10 फाइलम अंडर नॉन-कॉर्डेट्स अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द कॉर्डेट्स ठीक है तो कॉर्डेट अगर देखो मतलब कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा तो की फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा अगर देखो फाइलम कॉर्डेटा के इसमें देयर आर फोर की फीचर क्या क्या है देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है नोटोकॉर्ड nerve cord, pharyngeal gills and tail. These are the key characteristic feature of phylum Chordata. So first characteristic feature क्या है देखो notochord. In case of phylum Chordata, notochord is present. अगर exam में दे दिया, write down the characteristic features of phylum Chordata. तो ये चार feature लिखने से हो जाएगा. तो what are the four characteristic key characteristic feature of phylum Chordata अगर देखो first one is notochord.
नोटोकोड क्या है, देखो इट इज अ सॉलिड एंड अनजॉइंटेड रॉड ऑफ दुरेटेड सेल्स कॉल्ड नोटोकोड ऑन डोर्सल साइड बिटवीन एलिमेंट्री कैनल एंड नर्वस। मतलब अगर ये जो इमेज अगर देखो नोटोकोड का होता है, ऊपर क्या है देखो नारकोड, नीचे क्या है एलिमेंट्री कैनल, तो बीच में जो एक यहाँ पे अगर देखो इमेज में अगर एक येलो कलर के एक लाइन ट्यूब लाइक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज नोटोकोड। तो नोटोकोड नारकोड के हिसाब से अगर जाए नोटोकोड इज प्लेस्ड वेंट्रली टू द नारकोड, मतलब नारकोड इज प्रेजेंट डोर्सली एंड नोटोकोड जस्ट प्रेजेंट बिलो द नारकोड। ये हुआ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नारकोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉर्डेट इज प्रेजेंट डोर्सली इन द बॉडी, इट फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडिनल होलो ट्यूबुलर नारकोड लाइंग जस्ट अबव द नोटोकोड। ये अगर देखो एक ब्लू कलर का ट्यूबुलर रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, व्हिच इज कॉल्ड एज डोर्सल होलो नारकोड। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉर्डेट इज प्रेजेंट डोर्सल, डोर्सल मतलब पेट की तरफ, वेंट्रल मतलब पेट की तरफ, ठीक है, डोर्सल इन द बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज नारकोड। ठीक है, ये इमेज, ये जो ब्लू जो एक लाइन दिखाई दे रहा है दिस वन इज द इमेज ऑफ नारकोड, उसके बाद जो येलो एक लाइन रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस वन इज नोटोकोड, एंड देन इट इज फॉलोड बाय ए फेरिंजियल गिल स्लिट्स, तो सीरीज ऑफ पेयर्ड एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स एंड व्हिच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अगर देखो फेरिंजियल पाउचेस और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म या फिर हायर एनिमल्स ये जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होता है दीज आर मॉडिफाइड। ठीक है, देन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम क्वाड्रेटा इज द टेल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल मतलब एनस के बाद टेल जो है इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम क्वाड्रेटा। तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल इन ऑल क्वाड्रेट एनिमल्स व्हिच मे बी प्रेजेंट फॉर होल लाइफ और इन सम फॉर्म्स फुल लाइफ फॉर सम इन सम फॉर्म्स और मे डिसअपीयर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ये जो पोस्ट एनल टेल होता है, पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या है, द टेल व्हिच इज डेवलप आफ्टर एनस। तो इसके केस में अगर देखो ये जो पोस्ट एनल टेल जो होगा ये क्या होगा, कुछ फॉर्म में थ्रू आउट लाइफ होगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे लिजर्ड के केस में या फिर काउ डॉग इनके केस में टेल या फिर इन केस ऑफ मंकीज टेल इज पर्सिस्ट थ्रू आउट लाइफ, बट इन सर्टेन फॉर्म्स टेल इज डिसअपीयर, टेल डिसअपीयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर डेवलपमेंट। ठीक है, बट एम्ब्रायनिक स्टेज में इन ऑल कॉर्डेट्स टेल इज प्रेजेंट। दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम क्वाड्रेटा, क्या क्या देखो नोटोकॉड व्हिच इज प्रेजेंट वेंट्रली टू द नारकोड, नारकोड इज अ डोर्सल होलो स्ट्रक्चर एंड देन फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड देन प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। तो दीज आर द फोर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम क्वाड्रेटा। क्लियर, अभी हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम क्वाड्रेटा। तो फाइलम क्वाड्रेटा अगर देखो ये क्लासिफिकेशन का फ्लोचार्ट अच्छे से अगर तुम लोगों ने देख लिया इट विल बी वेरी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो क्लासिफिकेशन अगर देखो फाइलम क्वाड्रेटा, दिस फाइलम क्वाड्रेटा इज ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज कॉल्ड एज ग्रुप आक्रेनियटा और प्रोटो क्वाड्रेटा, अनदर वन इज कॉल्ड एज क्रेनियटा। ठीक है, तो देयर आर टू ग्रुप आक्रेनियटा और व्हिच इज नोन एज प्रोटो क्वाड्रेटा। तो यहाँ पे अगर देखो ये आक्रेनियटा क्यों नाम दिया गया है, बेस्ड ऑन द व्हिच फीचर, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम और स्कल, हम लोगों ने कॉर्डेट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दोस कॉर्डेट डज नॉट कंटेन स्कल और क्रेनियम दे आर कॉल्ड एज आक्रेनियटा, एंड आक्रेनियटा इज ऑल्सो नोन एज प्रोटो क्वाड्रेटा। प्रोटो क्वाड्रेटा का मतलब क्या है, प्रोटो क्वाड्रेटा मीन्स लोअर क्वाड्रेट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, फाइलम क्वाड्रेटा इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम और स्कल, जिनके केस में स्कल और क्रेनियम नहीं होगा दे आर कॉल्ड एज आक्रेनियटा और आक्रेनियटा और प्रोटो क्वाड्रेट मीन्स लोअर क्वाड्रेट। ठीक है, एंड ये जो आक्रेनियटा और प्रोटो क्वाड्रेटा जो है, दिस आक्रेनियटा इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू टू सब फाइलम, ये जो ग्रुप आक्रेनियटा है इनका दो साफाइलम है, क्या क्या दो साफाइलम है, वन इज साफाइलम यूरोक्वाड्रेटा एंड साफाइलम सेफालोक्वाड्रेटा। इनका नाम जो अगर देखो देयर नेम इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द नोटोकोड, साफाइलम यूरोक्वाड्रेटा के केस में नोटोकोड का होता है टेल ऑफ लार्वी, यूरो का मतलब होता है टेल एंड इनका
इन केस ऑफ सेफलम सेफलोकोडेटा अगर देखो देयर नोटो बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम टेल टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट इज पर्सिस्ट थ्रू आउट द लाइफ व्हिच इज कॉल्ड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेफलोकोडेटा। ठीक है, तो मींस ग्रुप आक्रेनियाटा और प्रोटोकोडेटा और लोअर कोडेट देयर दे कंसिस्ट ऑफ टू सेफलम, वन इज सेफलम यूरोकोडेटा एंड सेफलम सेफलोकोडेटा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुप क्रेनियाटा और यूकोडेटा। क्रेनियाटा का मतलब क्या है, दोज कॉर्डेट कॉन्टेन क्रेनियम और स्कल दे आर कॉल्ड एज क्रेनियाटा एंड दे आर ऑल्सो नोन एज यूकोडेटा। यूकोडेटा मीन्स ट्रू कॉर्डेट और हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और हायर कॉर्डेट भी बोल सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा मीन्स लोअर कॉर्डेट, यूकोडेटा मीन्स हायर कॉर्डेट। ठीक है, तो ये जो ग्रुप क्रेनियाटा और यूकोडेटा जो है मीन्स हायर कॉर्डेट जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सफाइलम व्हिच इज कॉल्ड एज सफाइलम वर्टिब्रेटा। तो सफाइलम वर्टिब्रेटा किसको बोला जा रहा है, अगर कोई भी कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड इज डेवलप इनटू वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम देन दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा एंड दोस एनिमल हैविंग वर्टिब्रल कॉलम दे आर एक्चुअली बिलोंग्स टू सफाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो मीन्स कॉर्डेटा में कितना सफाइलम है, तीन सफाइलम ओवरऑल अगर देखो यूरोकॉर्डेटा सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, अभी ये जो सफाइलम वर्टिब्रेटा जो है, सफाइलम वर्टिब्रेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, वन इज कॉल्ड एज डिवीजन आकनाथा एंड डिवीजन नेथोस्टोमाटा, या फिर बहुत लोग नेथोस्टोमाटा भी बोल देते हैं। तो डिवीजन आकनाथा एंड नेथोस्टोमाटा। आकनाथा का मतलब क्या है, दोस वर्टिब्रेट हैविंग दोस वर्टिब्रेट डज नॉट कंटेन एनी जॉ देयर बिलोंग्स टू डिवीजन आकनाथा। ठीक है, दैट इज इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो जॉलेस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोस वर्टिब्रेट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ जॉ देयर बिलोंग्स टू आकनाथा and those having jaw they are belongs to नेथोस्टोमाटा। ये जो डिविशन आग्नाथा जो है, दिस डिविशन आग्नाथा अगेन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज क्लास साइक्लोस्टोमाटा। डिविशन आग्नाथा मींस जॉलेस एनिमल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ऑन द अदर एंड ये जो नेथोस्टोमाटा जो है, डिविशन नेथोस्टोमाटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास। ठीक है, वन इज कॉल्ड सुपर क्लास पाइसेस एंड अनदर वन इज कॉल्ड सुपर क्लास टेट्रागोना। ठीक है, ये जो डिवीजन नेथोस्टोमाटा जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास, वन इज सुपर क्लास पाइसेस एंड अनदर वन इज सुपर क्लास टेट्रागोना। तो सुपर क्लास पाइसेस अगर देखो, दिस सुपर क्लास पाइसेस अगेन कंसिस्ट ऑफ टू क्लास, वन इज कॉल्ड क्लास कॉन्ट्रैक्टिस मींस कार्टिलेजनस फिश and then class osteichthyes means bony fish. On the other hand, superclass tetrapoda agar dekho, the superclass tetrapoda consists of four class. Abhi yahan pe agar naam dekho tetrapoda, tetra ka matlab hota hai four, poda means leg, means four leg containing animals. So this ye jo superclass tetrapoda jo hai, superclass tetrapoda again consists of four class. What are the four class? Class amphibia, and these are the group of animal which can survive in both land and water. Class reptilia, class apes means mostly the birds, and then class mammalia. So these are the four class belongs to superclass tetrapoda. So ये हुआ overall classification या फिर flowchart of classification of phylum chordata. ये classification अगर अच्छे से तुम लोगों ने समझ लिया, it will be easier for you. मतलब किसके group के अंदर में कौन सा division होगा, किसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है अप टू क्लास, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल फ्लो चार्ट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। मैंने यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट ग्रुप है एनिमल्स का, मतलब कॉर्डेट में, उस एक्सटिंक्ट ग्रुप या फिर एक्सटिंक्ट क्लास जो है इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब दोस ग्रुप ऑफ कॉर्डेट व्हिच आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट और नॉट प्रेजेंट इन नेचर और अर्थ, तो उसको मैंने एक्सक्लूड करके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग फॉर्म्स आर शोन इन दिस फ्लोचार्ट और फ्लोचार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये तो हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन का फ्लोचार्ट। मैं फिर से बोलूंगा ये क्लासिफिकेशन का जो फ्लोचार्ट जो है इसको अच्छे से फॉलो कर लेना रिपीटेडली, एंड देन अभी हम लोग चलते हैं कॉर्डेट क्लासिफिकेशन। थ्योरेटिकली अगर देखो कॉर्डेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, कॉर्डेट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज कॉल्ड एज क्रेनियाटा एंड आक्रेनियाटा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आक्रेनियाटा। तो आक्रेनियाटा मैंने ऑलरेडी क्या बोला था,
those group of animal lacking मतलब कॉर्डेट लेकिंग स्कल और क्रेनियम दे आर कॉल्ड एज आक्रेनेटर। तो ये पहला करेक्टर है। एंड ये जो आक्रेनेटर जो है दिस आक्रेनेटर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सफाइलम, मैं ऑलरेडी फ्लो चार्ट में था, दिस आक्रेनेटर कंसिस्ट ऑफ टू सफाइलम। तो व्हाट आर द टू सफाइलम, वन इज कॉल्ड सफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड अदर वन इज कॉल्ड सफाइलम सेफालोकॉर्डेटा। तो ये हो गया आक्रेनेटर। अभी अगर देखो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, व्हाट आर द सफाइलम यूरोकॉर्डेटा, एंड ये जो सफाइलम यूरोकॉर्डेटा जो है दे आर ऑल्सो नोन एज टिम्निकेटा। सफाइलम यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो नोन एज टिम्निकेटा। ये बाद में मैं समझाऊंगा व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज टिम्निकेटा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सफाइलम यूरोकॉर्डेटा अगर देखो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, दैट इज व्हाई इनको बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल। तो नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा एंड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जब ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है तब ये जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इज डिसअपीयर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, बट इन लार्वल फॉर्म ये जो नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड कहाँ पे होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट द टेल ऑफ लार्वा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक मेम्ब्रेन, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेट्स, ठीक है। इनका जो है बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक मेम्ब्रेन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेट्स। ये जो ट्यूनिकेटा जो है, दिस ट्यूनिकेटा इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूनिसिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूनिक मेम्ब्रेन जो है, दिस ट्यूनिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूनिसिन। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, दे ऑल्सो कॉन्टेन न्यूमरस गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड शोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अभी यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, अगर देखो इनका इनका जो मोड ऑफ मेटामॉर्फोसिस होता है या फिर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या होता है, फ्यू कैरेक्टर्स आर डिसअपीयर इन एडल्ट फॉर्म्स, मतलब मेटामॉर्फोसिस में कुछ ना कुछ कैरेक्टर इनका डिसअपीयर हो जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव। एंड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जिनमें कैरेक्टर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर नया कैरेक्टर एस्टेब्लिश होता है, देन उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इनके केस में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फॉर्म। तो इनका अगर एग्जांपल अगर देखो फाइलम यूरोकॉर्डेटा का, फ्यू एग्जांपल्स आर साल्पा, एसिडिया, हार्मोनिया, व्हिच इज जनरली नोन एज स्क्विड एंड डोलियोला। तो दीज आर द फ्यू इमेजेस, दिस वन इज द इमेज ऑफ साल्पा, दिस वन इज एसिडिया, दिस वन इज हार्मोनिया एंड दिस वन इज डोलियोला, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इमेजेस अलोंग विद देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये हो गया फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके केस में न्यूमरस गिल्स होता है, नोटोकॉर्ड कहाँ पे होता है, नोटोकॉर्ड इज जनरली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, हो गया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सफाइलम अंडर द आक्रेनेटा, व्हिच इज कॉल्ड सफाइलम सेफालोकॉर्डेटा। तो ये हो गया हम लोग का सफाइलम सेफालोकॉर्डेटा। तो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सफाइलम सेफालोकॉर्डेटा अगर देखो, फर्स्ट की कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड एक्सटेंड आइदर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। जैसे यूरोकॉर्डेट में क्या हुआ था, इनका नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, बट इन केस ऑफ सेफालोकॉर्डेटा देयर नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर मतलब सेफालिक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेफालोकॉर्डेटा। सेफालिक मींस अपर रीजन। तो इनका नोटोकॉर्ड जो है, दिस नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, सीएनएस है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्व कॉर्ड बोल सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो नर्व कॉर्ड जो होता है, इसका कोई डिफरेंशिएशन या फिर चेंज नहीं होता, या रिमेन प्रेजेंट एज ए नर्व कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, प्रेजेंट दे ऑल्सो कंटेन न्यूमरस गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम सेफालोकॉर्डेटा। इनका अगर एग्जाम्पल अगर देखो, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम सेफालोकॉर्डेटा इज नोन एज एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का बहुत सारा नाम है, एम्फियोक्सस इज ऑल्सो नोन एज ब्रांकियोस्ट्रोमा और लैंडस्लिट। तो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे दिया है, दिस वन इज द इमेज ऑफ लैंडस्लिट और एम्फियोक्सस, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। इनका अगर देखो
gill slits, okay, they also contain notochord, dorsal narochord, okay, and then they also contain mouth and oral hood along with their tentacles. So, yeh toh ho gaya image of lancelet or branchiostoma. This one is the image of lancelet or branchiostoma. तो हम लोगों ने अंडर आक्रेनियटा मतलब ग्रुप आक्रेनियटा के अंदर जो कितना सफाइलम था, दो सफाइलम था, वन इज सफाइलम यूरोकोर्डेटा एंड सफाइलम सेफालोकोर्डेटा. तो दोनों सफाइलम को हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अभी हम लोग चलेंगे द नेक्स्ट ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड ग्रुप क्रेनियटा. तो ग्रुप क्रेनियटा मतलब क्या है, देखो ग्रुप क्रेनियटा कंसिस्ट ऑफ सिंगल सफाइलम कॉल्ड वर्टिब्रेटा. तो क्रेनियटा का मतलब क्या था, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों से डिस्कस किया. क्रेनियटा मीन्स दोज ग्रुप ऑफ कॉर्डेट्स कंटेन स्कल और क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, दे आर कॉल्ड एज क्रेनियटा. अभी व्हाट आर द ये जो क्रेनियटा जो ग्रुप क्रेनियटा कंसिस्ट ऑफ सिंगल फाइलम व्हिच इज कॉल्ड एज फाइलम वर्टिब्रेटा. अभी हम लोग जाएंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेटा. तो इसमें वर्टिब्रेटा अगर देखो दे आर एक्चुअली बिलोंग्स टू क्रेनियटा और उसका और नाम क्या था, यूकॉर्डेटा. मीन्स दे आर हायर कॉर्डेट्स. तो इनके अंडर अंदर एक ही सफाइलम है. व्हाट इज द सफाइलम, सफाइलम वर्टिब्रेटा. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सफाइलम वर्टिब्रेटा अगर देखो, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नोटोकॉर्ड और कॉर्डा डोर्सेलिस प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड. नोटोकॉर्ड या फिर कॉर्डा डोर्सेलिस जो है वो एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है, बट इट इज रिप्लेस मतलब जब एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर कॉर्डेट जब मेच्योर होता है, देयर नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. मैंने ऑलरेडी पहले तुम लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया है व्हाट इज वर्टिब्रेट और सफाइलम वर्टिब्रेट के बारे में. इनके केस में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, नार्कोर्ड बोल सकते हैं या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं. The narcode is the anterior part of narcode is developed or differentiated into brain and posterior part from the spinal cord. So CNS is differentiated into brain and spinal cord. Anterior part से brain formation होता है, posterior part से spinal cord. Third जो characteristic feature है, it is present in each and every chordate, which is they are trichoblastic, bilaterally symmetrical, eucinomate with complete elementary canal. ये हर कॉर्डेट में ये कैरेक्टर होगा ही होगा. तो क्या कैरेक्टर है, ट्राइकोप्लास्टिक इन नेचर, बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देता है इनके केस में, दे आर यूसिलोमेट अलोंग विद कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल. नेक्स्ट और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, इनकेस ऑफ कॉर्डेट द ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. So due to the presence of hemoglobin pigment, their blood is red in color. Respiration, अगर देखो respiration, बहुत different mode of respiration is found. They respire, respiration occurs by gills, जिसको हम बोलते हैं gill respiration. Yeah. Then in certain forms, respiration occurs by skin, जैसे frog के केस में होता है, मतलब amphibia के केस में, they also respire with the help of skin, which is called cutaneous respiration. And few of them also respire through the lungs, which is called as pulmonary respiration. So there are three modes of respiration found in different groups of or different members of vertebrata. Inka excretory organ dekho, this one is also very common. The main or chief excretory organ of all vertebrates is the kidney. Okay. Inka endoskeleton agar dekho, endoskeleton mein hai cartilaginous or bone. Endoskeleton jo hai, internal skeletal structure cartilaginous bhi ho sakta hai, bony bhi ho sakta hai. और एक्सोस्केलेटन अगर देखो, एक्सोस्केलेटन में भी स्केली जैसे फिश एंड रेप्टाइल्स के इसमें, या फिश एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्किन जैसे एम्फीबिया एंड मैमल के इसमें, एंड इन फॉर्म्स जैसे एप्स या फिर बर्ड के इसमें जो होता है फीदर. तो देयर एक्सोस्केलेटन में भी हेयरी स्केली और फीदर. हेयरी किनके केस में, मैमल्स के इसमें, स्केली किनके केस में, रेप्टाइल्स एंड फिश के केस में, एंड देन फीदरी इन केस ऑफ एप्स. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दे आर यूनिसेक्सुअल एंड हैव वन पेयर ऑफ गोनाड्स. दिस वन इज ऑल्सो वेरी यूनिक कैरेक्टर इन केस ऑफ सफाइलम वर्टिब्रेटा. एंड द और एक चीज जो है जो हर एक में सेम ही है, या सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज देयर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है, व्हिच इज
generally occurs inside the closed vessel. Okay, so these are the characteristic feature of Cephalium vertebrata. तो Cephalium vertebrata में कौन कौन सा main character रहता है? Notochord differentiate होके या फिर replace हो जाता है by vertebral column, या फिर ये भी बोल सकते हैं notochord is develop into vertebral column, narcod is differentiated into brain and spinal cord, endoskeleton cartilaginous या फिर bony हो सकता है, exoskeleton scaly हो सकता है, hairy हो सकता है, feathery हो सकता है, इनका blood red in color due to the presence of which pigment? Hemoglobin pigment, then they may be their main skeletal organ क्या है देखो, skeletal organ है kidney. तो these are the characteristic feature of Cephalium vertebrata. ठीक है, अभी ये जो Cephalium vertebrata है, Cephalium vertebrata is classification of vertebrata का देखो, Cephalium vertebrata is again divided into two subdivision, one is called as agnatha and nathostomata. Agnatha मतलब क्या था, यहाँ पे अगर देखो agnatha and nathostomata. अग्नाथा मतलब मैंने ऑलरेडी फ्लोचार्ट में बोल दिया था, अग्नाथा मीन जॉलेस कॉर्डेट्स. ठीक है, तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अग्नाथा, अगर देखो माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जो, मतलब जो एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, नोटोकॉर्ड उनका थ्रू आउट लाइफ होता है, इंटरनल ईयर हैज वन और टू सेमी सर्कुलर कैनल, एंड अग्नाथा जो है, दिस अग्नाथा कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज क्लास साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है, माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉ, ठीक है, जो जो नहीं होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इंटरनल एयर हैज वन और टू सेमी सर्कुलर कैनल्स, एंड देन अग्नाथा कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज क्लास साइक्लोस्टोमाटा. तो अभी हम लोग चलेंगे द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा. What are the characteristic features of class Cyclostomata? अगर देखो, first characteristic feature is presence of circular mouth bounded by sartorial funnel but jawless. तो ये जो अगर देखो, this one is the image of Petromyzon or sea lamprey. Petromyzon का और नाम है sea lamprey. ये तो हुआ lateral view, मतलब side से जब हम लोग Petromyzon को देखेंगे, इस तरीके का एक image दिखाई देगा. ये and यहाँ पे एक image मैंने already दिया है देखो ऊपर में. ये जो Petromyzon जो है, Petromyzon usually act as ectoparasite. ठीक है, कोई भी लार्ज साइज फिश के बॉडी के साथ ये चिपक जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर सकर और सर्कुलर माउथ एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट. तो यहाँ पे मैंने जो ये जो इमेज दिया है, दिस वन इज द माउथ पोर्शन. यहाँ पे देखो बहुत सारा पॉइंटेड सकर है, फाइनल शेप सकर, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर माउथ, पूरा माउथ देखो सर्कुलर है, बाउंडेड बाय सर्कुलर फनल. तो फनल शेप सकर होता है व्हिच इज एम्बेडेड इनटू द बॉडी ऑफ अनदर लार्ज साइज फिश एंड दे यूज्ड टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द सर्टोरियल माउथ बट जो इज एब्सेंट. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मीडियन फिन इज प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट. इनके बॉडी के ऊपर अगर देखो, ये जो मीडियन फिन इज प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, देयर नोस्टिल प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड. इनका अगर नोस्टिल अगर देखो, ये अगर देखो, डोर्सल सर्विस में इमेज में इतना क्लियर तो नहीं है, बट यहाँ पे समझ लो दिस वन इज द नोस्टिल. यहाँ पे स्मॉल होल जैसा है, दिस वन इज द नोस्टिल जो डोर्सल साइड में होता है. स्किन विदाउट फिन, मतलब स्किन में कोई फिन्स नहीं होता. इनका एंडोस्केलेटन अगर देखो, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, मतलब एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, इनका हार्ट अगर देखो, दे ऑल्सो कंटेन हार्ट एंड हार्ट इज टू चेंबर्ड. लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट. यहाँ पे अगर देखो एक लाइन दिखाई दे रहा है, दिस लाइन इज एक्चुअली कॉल्ड एज लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. ये जो एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा एंड ऑफ द बॉडी तक गया है, व्हिच इज कॉल्ड एज लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन? दिस लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू सेंस द स्टिमुली फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स. यहाँ पे देखो स्मॉल ओपनिंग दिखाई दे रहा है, दिस आर द गिल्स. तो प्रेजेंस ऑफ 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स फॉर देयर एक्सप्रेशन. डेवलपमेंट इंक्लूड एमोसिटी लार्वा, मतलब इनका लार्वल फॉर्म जो है, द लार्वल फॉर्म ऑफ साइक्लोस्टोमाटा इज कॉल्ड एज एमोसिटी लार्वा एंड देयर पोइकुलोथर्मिक और कोल्ड ब्लड. पोइकुलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल. फिर से मैं बोलूंगा, कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या था, जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा. तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर? माउथ कॉन्टेन सर्कुलर माउथ इज सर्टोरियल फनल बट जो इज एबसेंट, मीडियन फिन इज प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स आर एबसेंट,
They contain lateral line sense organ, endoskeleton is cartilaginous, heart is two chambered, then gill kitna hota hai 6 to 14 pairs of gills are present and they are cold blooded. So the example of class cyclostomata agar dekho, the first example is petromyzon, which is generally known as sea lamprey, and then myxine, known as hagfish. So these are the characteristic feature of class cyclostomata. ठीक है, तो हम लोग आज अप टू क्लास मतलब आगनाथा तक करेंगे. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड अबाउट द डिवीजन नेथोस्टोमाटा एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑफ नेथोस्टोमाटा अप टू द क्लास. ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड अच्छे से फॉलो करना वीडियो, रिपीटेडली देखते रहना अगर कोई भी पार्ट तुम लोगों को कंफ्यूजन लगता है, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. एंड मेरा जो ये जो लेक्चर जो है, दिस लेक्चर इज ट्रूली हेल्पफुल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर नीट बट दिस वन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो जब पढ़ाई करोगे अच्छे से देख लेना, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि नीट एग्जाम में अगर एनिमल किंगडम से कोई भी क्वेश्चन अगर पुट अप किया जाता है, ताकि तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, देन बी सेफ, स्टे एट होम एंड स्टडी सीरियसली विथ प्रॉपर प्लान.